नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8 5G वर्सेस Samsung Galaxy F62 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 8 5G में 6.4 इंच जबकि Galaxy F62 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme 8 5G में 2.94 इंच जबकि Galaxy F62 में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 8 5G में 0.33 इंच जबकि Galaxy F62 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme 8 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 8 5G में 185 ग्राम जबकि Galaxy F62 में 218 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme 8 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 8 5G में IPS LCD जबकि Galaxy F62 में Super AMOLED Plus की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 8 5G में 6.5 इंचेस जबकि Galaxy F62 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 8 5G में 83.92% जबकि Galaxy F62 में 86.66% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 8 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy F62 में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 8 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy F62 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 8 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy F62 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 8 5G में Mali G57 MC2 जबकि Galaxy F62 में Mali G76 MP12 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 8 5G में MediaTek Dimensity 700MT6R33 और Galaxy F62 में Samsung Exynos 9 Octa 9825 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी Realme 8 5G में 5000 mAh जबकि Galaxy F62 में 7000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Realme 8 5G में 2 कलर्स जबकि Galaxy F62 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 8 5G की 16,999 रुपीस जबकि Galaxy F62 की 18,499 रुपीस प्राइस है, जो कि Realme 8 5G से ज्यादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
इक्विप्ड रियलमी 8 5G में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी F62 की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी F62 आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी F62 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में गैलेक्सी F62 आगे है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी F62 आगे है, इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी X7 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। दूसरा रियलमी नाजो 30 प्रो है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। तीसरा रियलमी 8 प्रो है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A74 5G है जो कि 17,990 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।